श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। आज मैं आपके साथ भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तु की जानकारी लेकर आई हूँ, आप जिसके बारे में जानकारी तो बहुत से लोगों को होगी किंतु पूरी नहीं, आधी अधूरी। मैं आज अपने वीडियो में आपको रुद्राक्ष क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ और हमारे जीवन में रुद्राक्ष का क्या महत्व है, हम असली नकली रुद्राक्ष का पता कैसे लगाएं, इसकी जांच कैसे करें और शिव महापुराण में ऐसे कौन से उपायों का उल्लेख है जिसे करके हम अपने जीवन को सरल, सुगम और आनंदमय बना सकते हैं, साथ ही हम इसे ऐसे कैसे पूजें, रुद्राक्ष को की पूजन कैसे करें, ऐसा क्या करें जिससे हम शिव जी को और अपनी करीब पाएँ और अपने आसपास पाएँ, यह सभी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। इसलिए कृपया कर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। सर्वप्रथम हमें रुद्राक्ष क्या है यह जानने के लिए रुद्राक्ष शब्द को दो भागों में विभाजित करना होगा, जैसे रुद्र और अक्ष। रुद्र का अर्थ होता है भगवान भोलेनाथ का रुद्र स्वरूप और अक्ष का मतलब होता है भगवान भोलेनाथ के अश्रु। पुराणों में यही वर्णित है कि रुद्राक्ष का पौधा भगवान शिव के अश्रु से जन्मा है। कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ के अश्रु पृथ्वी पर गिरे उसे एक पौधे ने जन्म लिया और उसमें जो फल लगे वह रुद्राक्ष कहलाए। रुद्राक्ष का हमारे जीवन में आध्यात्मिक की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और जीवन में आ रही किसी भी समस्याओं को दूर करने में बहुत अधिक महत्व है। यदि किसी का मन बहुत अधिक भटक रहा हो, बेचैनी बनी रहती हो, कुछ भटकाव हो गया हो जीवन में, ऐसी अवस्था में यदि वह रुद्राक्ष धारण करे तो उसकी एकाग्रता शक्ति बढ़ने लगती है, उसका मन एकाग्र होने लगेगा। ऐसे व्यक्ति को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने रुद्राक्ष धारण करके रखा हो उसका ब्लड प्रेशर हमेशा सामान्य बना रहता है, ना ऊपर होता है ना नीचे। यदि किसी को कैंसर की बीमारी भी हो गई हो और उसे रात को रुद्राक्ष पानी में डालकर और सुबह वह पानी उस व्यक्ति को पिलाया जाए जिसे कैंसर की बीमारी है, तो कुछ ही समय में बीमारी में आराम होने लगता है। रुद्राक्ष धारण करने से भूत प्रेत, अन्य नकारात्मक बाधाओं, शक्तियाँ जो होती हैं, जो किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये शक्तियों ने मुझे घेर रखा है, ऐसा कुछ डर बना हुआ है, वह सब समाप्त हो जाता है और यह चीज़ें हमारे पास भी नहीं फटकती। यदि आपके घर में रुद्राक्ष है और आप घर के मंदिर में रखकर उस पर जल चढ़ाते हैं या उसका पूजन करते हैं तो यह समझिए आप साक्षात शिव को घर में विराजित करके उनका अभिषेक पूजन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि रुद्राक्ष स्वयं शिव जी का ही रूप है। यदि रुद्राक्ष आपके पास है, आपके साथ है, तो शिव जी का सदैव आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। कोई भी ग्रह कितने भी हानिकारक हो, दुष्ट हों, बुरे हों, लेकिन आप पर उनका कोई असर नहीं हो सकता। शनि, राहु, केतु कैसी भी दशा हो आपके ऊपर, वह सब बेअसर होंगी। कहीं कहीं ऐसा वर्णित है कि रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 35 मुखी तक होते हैं। कोई कोई 1 मुखी से 21 मुखी तक होने का दावा करता है, किंतु आम व्यक्ति की बात की जाए तो अक्सर 1 मुखी से लेकर 15 मुखी रुद्राक्ष ही चर्चा में ज़्यादा रहते हैं। कहते हैं 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है और यह भी कहा जाता है कि 1 मुखी रुद्राक्ष इतना शक्तिशाली होता है, इतना ज़्यादा फलदायी होता है कि यदि यह रंक के पास भी आ जाए तो उसे राजा बनने में देर नहीं लगती। किंतु यह सिद्ध नहीं है, यह जिसको फलीभूत होता है उसी के बारे न्यारे होते हैं। कहने वाले यह भी कहते हैं कि यदि 1 मुखी रुद्राक्ष किसी के पास है और यदि उसे यह फल नहीं रहा है तो वह राजा से रंक भी बन जाता है। इसलिए किसको क्या चीज़ फलीभूत होती है यह अपने आप में एक अलग विषय है। 1 से 15 मुखी रुद्राक्ष को रखने के अलग अलग नियम और अलग अलग मंत्र होते हैं।
साथ ही फायदे भी अलग अलग ही होते हैं। यदि पांच मुखी रुद्राक्ष के 108 मनकों की माला से शिव जी का कोई मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही सांसारिक जीवन में जब तक वह व्यक्ति जीता है जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन आजकल रुद्राक्ष भी असली कहाँ मिल रहे हैं, वह भी नकली बाजार में आ गए हैं। प्लास्टिक से बनाकर या लकड़ियों से बनाकर या पांच मुखी रुद्राक्ष को चार मुखी रुद्राक्ष को ब्लेड या चाकू से काटकर सात मुखी छः मुखी आदि बना दिए जा रहे हैं। वो साधारण व्यक्ति इसे कैसे पहचाने, यह बड़ी समस्या हो गई है। व्यक्ति जाता तो अपने अच्छे के लिए रुद्राक्ष लेने बाजार में, लेकिन वहाँ यदि नकली रुद्राक्ष मिल जाते हैं, नकली रुद्राक्ष ले आता है तो वह उसे कोई फ़ायदा उसका उसके उसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और वह कुछ दिन रखकर या कुछ दिन धारण करके सोचता है कि इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपको आपके साथ कुछ ऐसे उपाय शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि जिससे आप कुछ हद तक तो आप समझ ही जाएंगे कि यह असली है या नकली है। उसकी पहचान करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ। आप रुद्राक्ष यदि लेने गए हैं या ले रहे हैं तो उसे पानी से भरे गिलास में छोड़ दें और कुछ देर ऐसे ही रहने दें। यदि असली रुद्राक्ष है तो नीचे तले में बैठ जाएगा, और यदि लकड़ी का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है तो वह पानी में तैरने लगेगा। दूसरा तरीका यह भी है कि आप यदि इसे तांबे की प्लेट लें एक और उसके बीचों बीच रखते हैं आप, तो यदि यह असली रुद्राक्ष है तो एक गोल घूम जाएगा, और यदि नकली रुद्राक्ष है तो यह अपने आप में स्थिर बना रहेगा। इस तरीके से हम असली नकली की जांच कुछ हद तक तो कर ही सकते हैं। और लेते समय एक और आपको ध्यान रखना है, आप इसे रोशनी में ले जाकर देखें कि कहीं ब्लेड या चाकू का कोई निशान तो नहीं दिख रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ब्लेड या चाकू से उसे उसके मुख बढ़ा दिए गए हों, घिसकर उसको काटकर मुख बढ़ा दिए गए हों। यदि दे रहा है तो आप इस रुद्राक्ष को ना खरीदें, क्योंकि इसके जो मुख हैं वह जो ओरिजिनल होना चाहिए वह नहीं है। रुद्राक्ष के ज़्यादातर वृक्ष नेपाल में ही पाए जाते हैं और वहाँ से ये असली मिल जाते हैं और 1 से 15 मुखी तक वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। किंतु आजकल वहाँ भी नकली रुद्राक्ष बेचे जा रहे हैं, इसलिए आप जब भी यदि नेपाल जाना आपका होता है या हरिद्वार आपका जाना होता है और आप लेते हैं तो असली नकली की जांच करने की कोशिश अवश्य करें, ज़रूर जांच करके लें। आपको भी अपने घर में अवश्य रुद्राक्ष ला के रखना चाहिए। 1 मुखी से 15 मुखी तक के क्या मंत्र हैं, किस कार्य में कार्य सिद्धि के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष को किस तरीके से रखना चाहिए और कितने मुखी के लिए कौन सा मंत्र करना चाहिए, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगी। यदि मैं इस वीडियो में बताती हूं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वैसे 5 मुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष है जिसे कोई भी धारण कर सकता है या कोई भी अपने घर में इसे रख सकता है। आप भी लाइए, असली नकली की पहचान करके लाइए और फिर देखिए, सदैव आपको यह एहसास बना रहेगा कि शिव जी मेरे साथ हैं, मेरे पास है। शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।